हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल वड़ा, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसे इवनिंग स्नैक्स या किसी ओकेजन पे खाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। 5 से 6 हरी मिर्च मैंने इस तरीके से आधे भाग में काट लिया है। 1 टीस्पून जीरा, अदरक का छोटा पीस मैंने इस तरीके से काट लिया है। फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर्स और धनिया। साथ ही में मैंने लिया है 1 कप मूंग दाल छिलके वाली, और इसे मैंने 3-4 घंटे पानी में भिगा के रखा है। इस तरीके से देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, और इसे हम अच्छे से 2 बार धोकर पानी इसका पूरा निकाल देंगे और हम इसे फिर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं सबसे पहले ज़ीरा, हरी मिर्च और अदरक को इस तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक सूखा पेस्ट बना लूँगी। इसमें हमें वाटर ऐड नहीं करना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम इसी जार में मूंग दाल लेंगे और इसे दरदरा पीसेंगे। ध्यान रहे कि इसका आप पतला पेस्ट ना बनाएं। आप चाहे तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा वाटर ऐड ना करें। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसमें ये जो मिर्ची का पेस्ट बनाया था हमने, इसे ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ ही मैंने अब कढ़ाई में थोड़ा ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि हमारा मिक्सचर रेडी होने तक हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए। और ऑयल हमें इतना लेना है कढ़ाई में कि हम अच्छे से डीप फ्राई कर सकें। और ऑयल गर्म होने के साथ ही हम अपने दाल में अब बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया डाल देंगे। और हमने इसे लास्ट में डाला है, क्योंकि अगर हम इसे पहले डाल देते तो प्याज का और धनिया का पूरा जो पानी निकलता, उसके कारण दाल का पेस्ट पूरा गीला हो जाता, और हमें अपने पेस्ट को गीला नहीं होने देना है, जिससे कि हमारे मूंग दाल वड़े को अच्छा शेप दे सके और क्रिस्पी बना सके। और अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम अपने गैस की फ्लेम अब मीडियम पे रख के मूंग दाल वड़े को अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हम दाल का पेस्ट लेंगे थोड़ा सा अपने हाथ पे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और बीच में एक छोटा सा होल करेंगे। और होल करने से होगा ये कि जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये वड़ा जो है चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो सकेगा। क्योंकि अगर हम होल नहीं करेंगे तो ये बीच में से हो सकता है शायद कच्चा रह जाए, इसलिए हम होल करेंगे ताकि चारों तरफ ऑयल अच्छे से लगे और ये अच्छे से डीप फ्राई हो सके। और अब मैं वड़े को इस तरीके से ऑयल में हल्के हाथों से छोड़ दूंगी और इस तरीके से एक एक करके वड़े को ऑयल में डालते जाऊंगी। और वड़े को हम इस तरीके से चला देंगे और इसे पलटाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। ये देखिए, वड़ा का कलर इस तरीके से चेंज हो गया है। और हमें ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो वड़े का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर से ये शायद कच्चा रह जाए, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करें। अब हम इसे फिर से पलटा लेंगे और इसे रेड ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, वड़ों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये थोड़ा और डार्क होते जा रहा है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दूंगी, क्योंकि ये अंदर से आई होप कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा और हल्का सा फ्राई करेंगे बाहर से भी, ताकि और क्रिस्पी हो जाए। ये देख सकते हैं आप, मूंग दाल वड़ा इसका कलर चेंज हो चुका है और ये रेड ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैं एक और बैच मूंग दाल वड़े का तैयार कर लूँगी। ये देखिए, एक एक करके मैं वड़े डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी रेड ब्राउन होने तक। ये देखिए, इस तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसे पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी ताकि पूरा एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखिए, वड़े कितने टेस्टी और क्रिस्पी दिख रहे हैं। मैं इसे इस तरीके से पूरे वड़े निकाल लूँगी। और इस तरीके से हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
और मैंने इसे इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकॉन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।